गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके बच्चा, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं एंड अकाउंट्स का आप कह लीजिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट टॉपिक है। दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज कैश बुक। अब ये कैश बुक टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका रीजन पहले सुनिए। व्हाई कैश बुक इज सो इंपॉर्टेंट और कैश बुक एक्चुअली में है क्या। आई विल स्ट्रेट अवे एक्सप्लेन दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पहले हम लोग को थोड़ा कैश बुक का ना हिस्ट्री जानना जरूरी है कि कैश बुक एक्चुअली में क्या टॉपिक है और कैश बुक क्यों बना। ठीक है, व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस टॉपिक। सो गाइस, आपको थोड़ा कैश बुक का पहले हिस्ट्री जानना जरूरी है। तो कैश बुक की हिस्ट्री के लेट्स टेक टू एग्जांपल्स। सपोज मिस्टर फ्लैग, मिस्टर फ्लूट, ये दो बंदे हैं। मान लीजिए दो बंदे हैं, मिस्टर फ्लैग, मिस्टर फ्लूट। अब अगर मान लीजिए मिस्टर फ्लैग ने मिस्टर फ्लूट को कोई गुड्स, कोई सामान बेचा, अब फ्लूट उसको क्या देगा? उसको देगा पैसे, कैश देगा, क्योंकि बिजनेस में हर ट्रांजैक्शन कैश में चलती है। बिजनेस के अंदर हर चीज पैसा, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश। अब होता क्या है, सपोज कर लीजिए फॉर एग्जांपल, इसने इसको गुड्स बेचे उल्टा, तो अब ये उसको पैसे देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि बिजनेस में न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होती हैं और हर ट्रांजेक्शन का रिजल्ट एक ही है, वो है कि पैसा देकर ही सारा सेटलमेंट होता है, करेंसी, कैश। चाहे वो पैसा अभी दिया जाए, चाहे वो पैसा बाद में दिया जाए। तो बिजनेस के अंदर बेटा जो कैश होता है ना, कैश एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। कैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द बिजनेस। तो वहीं से एक बुक बनती है, इसको कहते हैं कैश बुक। कैश बुक क्या होती है, याद रखना, कैश बुक एक ऐसी किताब है जो बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। अब सपोज कर लो, मान लो कि आप मिस्टर फ्लैग की बुक्स बना रहे हो, तो मिस्टर फ्लैग के पास कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, अब ये रिकॉर्ड करूंगे। और याद रखो, फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। मान लो मिस्टर फ्लैग ने इनको गुड्स सोल्ड करे, ठीक है, और उधार में सोल्ड करे, तो याद रखना, अगर तो उसने उधार में सोल्ड करे हैं तो इसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उधार में सोल्ड करे तो पैसों का लेन देन अभी नहीं हुआ, जब होगा तब रिकॉर्ड करेंगे, जब फ्यूचर में पैसे आएंगे तब रिकॉर्ड करेंगे, अभी फिलहाल नहीं करेंगे। सो मैं कहना ये चाहता हूं बच्चा कि बिजनेस के अंदर जो कैश होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पार्ट होता है और सिर्फ उसी की ट्रांजेक्शन को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं कैश बुक। तो कैश बुक क्या है? कैश बुक एक ऐसी बुक है जो सिर्फ कैश के लेन देन को रिकॉर्ड करती है, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें दूसरी बिना कैश वाली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो यहीं से आपको कैश बुक का मीनिंग क्लियर होगा और हम लिखेंगे, विल राइट डाउन। सो बच्चे प्लीज राइट डाउन, इट इज कॉल्ड एज मीनिंग ऑफ कैश बुक। So please everyone write down, अच्छी तरह लिख लीजिएगा बच्चा, मीनिंग ऑफ कैश बुक लिखिए।
कैश बुक को मैं आगे से शॉर्ट फॉर्म में सीबी लिखूंगा। कैश बुक इज ए बुक विच रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजेक्शंस ओनली, दैट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो भाई पहली बात याद रखिएगा कि आप लोगों ने कैश बुक के बारे में सिर्फ एक बात समझनी है कि कैश बुक कौन सी बुक है। कैश बुक एक ऐसी किताब होती है जो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करती है। बच्चा उधार वाली ट्रांजेक्शंस को तो ये बुक रिकॉर्ड ही नहीं करती। ये बात अपने पल्ले बांध लो। यू शुड बी क्लियर रिगार्डिंग दिस कि कैश बुक एक ऐसी किताब है जो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेगी, और याद रखना आपके पास उधार वाली ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेगी। ठीक है, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, क्या इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे? आंसर इज येस। फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड फॉर कैश, क्या इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे? आंसर इज येस। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड, क्या इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे? येस। सपोज कमीशन रिसीव्ड इन कैश, क्या इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे? आंसर इज येस। बट अब आपको ख्याल रखना है क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो मैं इसके साथ साथ बता रहा हूं आपको कि क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब सुनिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, क्या इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे? आंसर इज नो। सपोज गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्या इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे? आंसर इज नो। बट प्लीज जब तक मैं आपको बोलू ना चैट बॉक्स पे प्लीज कोई मैसेज मत करिए गाइस, प्लीज जब तक आपको ना पूछूं चैट बॉक्स में कोई मैसेज मत करो, बिकॉज बाकी बच्चों का ध्यान डाइवर्ट होता है। सो प्लीज जब तक आपको पूछा ना जाए चैट बॉक्स में कोई मैसेज नहीं आना चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया हुआ। व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग लिसन टू इट वेरी केयरफुली, उसके बाद प्लीज मैसेज करिए। उससे क्या होता है कि बाकी बच्चों का ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा, आपको पूछने का मौका मिलेगा। सो प्लीज डू नॉट मैसेज नाउ। ओके, फॉर एग्जाम्पल सैलरी आउटस्टैंडिंग, बड़ा सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी सैलरी देनी है, अभी दी नहीं है, अभी सैलरी देनी है बच्चा, सैलरी अभी दी नहीं हम लोगों ने, अभी हमने सैलरी देनी है। We have to give salary now. Outstanding मतलब अभी देनी है, पैसा गया तो नहीं ना, तो क्या मैं इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा? नहीं। तो मेरा कहने का मतलब जिस ट्रांजेक्शन में मेरा पैसा जाएगा वही मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करता हूं, जिसमें मेरा पैसा नहीं जाता उसको मैं कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करता। ठीक है, अब पहले मुझे बच्चे बताइए कि सब बच्चों को कैश बुक का मीनिंग क्लियर है कि कैश बुक कौन सी बुक होती है? वो बुक जो सिर्फ पैसों का आना जाना रिकॉर्ड करती है। पहले कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देख लेता हूं, चेक इन हैंड बेटा वो बाद में बताऊंगा, अभी आप
वही बात है, आगे की चीजें ना पूछे, वो चेक इन हैंड की बात बाद में होगी। और आप मुझे पहले ये बताइए, बैंक की ट्रांजेक्शन भी बाद में बताऊंगा बच्चा, आप सारी आगे की चीजें ना पूछे, आप मुझे बताओ जो मैंने बताया वो क्लियर है कि नहीं। पहले मुझे ये बताइए, जितना मैंने आप लोगों को सारा समझाया वो क्लियर है कि नहीं? आप लोग अभी आगे की चीजें ना पूछें, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि दिस इज एक्चुअली क्लियर? बेटा प्रीपेड भी रिकॉर्ड होगा क्योंकि प्रीपेड में भी कैश जाएगा। देखो जैसे सपोज कर लो, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। अभी आपने पूछा है तो एक क्वेश्चन ठीक है सेंसिबल आया, वो मैं पूछ लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। देर इज वन क्वेश्चन विच इज सेंसिबल। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास आ रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस में कोई पैसा देना, तो प्रीपेड इंश्योरेंस पेड। अब पैसा तो दे रहे हो ना बेटा, ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। देखो सिंपल सी बात है, आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूं, इफ मनी गोज आउट इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चाहे जो मर्जी कर लो, अगर पैसा जा रहा है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा ही होगा, ठीक है? चाहे वो जो मर्जी ट्रांजेक्शन हो, अगर पैसा आपकी ट्रांजेक्शन से अभी नहीं जा रहा तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। चलो आप मुझे सारे बच्चे बताओ, आप सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, सारे बच्चे मुझे बताओ, सपोज मैं कहता हूं यहां पर सेम ऊपर एग्जाम्पल पे आते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया कि फ्लैग ने फ्लूट से गुड्स परचेस करे। मान लो फ्लैग ने फ्लूट से गुड्स परचेस करे और उसके बदले में उसको उसने वहां पर क्लोथ्स दे दिए, मतलब उसने क्या करा, सपोज व्हीट परचेस करके क्लोथ दे दिया। आप लोगों को पता है बार्टर सिस्टम, सुना हुआ बच्चों ने? बार्टर सिस्टम क्या होता है कि क्या करा भाई, उसने कपड़ा देकर व्हीट खरीद लिया। अब बताओ इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे? क्या बोलते हैं बच्चे, टेल मी गाइस, क्या इसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे? योर आंसर इज येस और नो, येस इट इज नॉट रिकॉर्डेड। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया बच्चा, कैश बुक का मतलब क्या होता है? कैश बुक का मतलब ही होता है जिसमें कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, और बिना कैश वाली चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड नहीं करना। सिंपल सा फंडा याद रखिएगा, पैसा आएगा रिकॉर्ड करेंगे, पैसा नहीं आएगा तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बात खत्म। पैसा जाएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं जाएगा तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ओके नाउ दिस वॉज द मीनिंग ऑफ कैश बुक। बच्चा अब सारे बच्चे आ जाओ कैश बुक के चैप्टर में, सही बताऊं तो थ्योरी है ही नहीं, दिस चैप्टर इज एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल गाइस। तो हम सीधा आते हैं, इट इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ कैश बुक। देखिए वी हैव टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक का जो पूरा पार्ट है उसको हम लोग चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फोर पार्ट्स। कैश बुक का इंटायर चैप्टर चार हिस्सों में डिवाइड होगा, अच्छी तरह समझना। एक आपके पास होगी सिंगल कॉलम कैश बुक। बच्चा इसको हम सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं, इसको आप सिंगल कॉलम कैश बुक बोल दो या बेटा इसको आप कह दो सिंपल कैश बुक, एक ही बात है। आइदर यू से सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक, एक ही बात है। ओके नेक्स्ट फिर इसमें आती है बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एज डबल कॉलम कैश बुक। ये आती है डबल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट फिर एक आता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। बच्चा आपको बता दूं दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द चैप्टर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट दिस टॉपिक हैज द हाइएस्ट वेटेज। तो इस टॉपिक पे एक सुंदर सा दिल बना लो, बिकॉज ये टॉपिक का हाईएस्ट वेटेज है डबल कॉलम कैश बुक का, ठीक है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको डबल कॉलम कैश बुक के एग्जाम्स में आते हैं,
ट्रिपल कॉलम उसके बाद इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ स्कूल्स में तो ट्रिपल कॉलम बोलते हैं भी ठीक है आएगा नहीं आएगा एंड ऑल दैट, बट मैं आपको सारे कराऊंगा। और एक लास्ट में आती है विच इज कॉल्ड एज पेटी कैश बुक। हम लोग को देखो करनी सारी है बट मैंने आपको बता दिया सबसे ज्यादा हमारा फोकस इस पे रहेगा, दैट इज डबल कॉलम कैश बुक पे। व्हाई? बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश बुक। फिलहाल आज हम लोग फॉर द फर्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट विथ सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है, बिकॉज दैट इज द बेसिक्स। ओके, अब सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। आई होप बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम एंड पेटी कैश बुक। चलिए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट स्टेट्स सिंगल कॉलम कैश बुक। अभी सुनिए, अब जैसे इसके नाम है आप समझिए इसका नाम क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक। आपको नाम से पता लगता है सिंगल कॉलम कैश बुक है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है देखिए, ऐसे पहले टी शेप अकाउंट बनता है, इसमें इस तरह से कॉलम्स बनते हैं बच्चा। जैसे मैं आपको कॉलम्स बना रहा हूं वैसे बना लीजिए बेटा। याद रखना ये एक मेन कॉलम है जो दोनों हिस्सों को डिवाइड करता है, दिस लाइन इज द मेन लाइन, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस, ये वाला पोर्शन होता है डेबिट साइड, ठीक है। ये वाला पोर्शन होता है क्रेडिट साइड। यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, जो भी डेट्स होंगी, देन वी राइट पर्टिकुलर्स। बच्चा वी राइट पर्टिकुलर्स, देन वी राइट एलएफ। एलएफ होता है लेजर फोलियो, याद रखना इसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। ये कॉलम सिर्फ टाइम पास के लिए बनाना पड़ता है, इसका यूसेज कोई नहीं है। आप ऐसे याद कर सकते हो एलएफ फालतू कॉलम है, सर बनाना पड़ता है जी बच्चा, बिकॉज अकाउंट्स में ना बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तो याद रखेंगे आप इसको फॉलो कर सकते हो एलएफ। एलएफ के नाम से एक कॉलम चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट, देन वी हैव रुपीस। ये एक साइड खत्म हो गया, दिस डेबिट साइड इज ओवर, दिस इज योर वन साइड डेबिट साइड। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्रेडिट साइड, देन अगेन वी स्टार्ट विद डेट्स, पर्टिकुलर्स, वी राइट एलएफ एंड वी राइट रुपीस। आप डेबिट साइड पे कुछ भी लिखोगे याद रखना साथ में टू लिखोगे, क्रेडिट साइड पे कुछ भी लिखोगे आप साथ में बाय लिखोगे, ये पॉइंट याद रखिएगा। यू राइट एनीथिंग इन द डेबिट साइड दैट्स टू, यू राइट एनीथिंग इन द क्रेडिट साइड दैट्स विद बाय, ये कंपल्सरी होता है फॉर्मेट के साथ। अब सर डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं और क्रेडिट साइड पे क्या लिखते हैं, ठीक है याद रखिएगा। डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे क्या लिखते हैं, सुनिए इसका रूल होता है जितनी भी कैश की रिसीप्स होती हैं वो डेबिट साइड पे लिखते हैं, जितनी भी कैश की पेमेंट्स होती हैं पेमेंट्स वो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। मतलब कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है आपके पास, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दो, पैसा जा रहा है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दो। याद रखना कैश बुक इज बेस्ड ऑन अ वेरी सिंपल रूल। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या बोलता है, बड़ा एक सिंपल सा रूल बनता है इसके अंदर। वो क्या रूल बनता है जो आपने यहां लिख लेना है, क्या डेबिट ऑल रिसीप्स, क्रेडिट ऑल पेमेंट्स। जो भी पैसा आ रहा है डेबिट में, जो पैसा जा रहा है क्रेडिट में, या आप लोगों ने शायद सुना हो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो
तो जो आ रहा है वो डेबिट रिसीव्स दैट कम्स इन, क्रेडिट ऑल गोज आउट, जो जा रहा है वो आपका क्रेडिट पे। तो सिंपल सी बात है, अगर तो आपके पास कैश आ रहा है तो आप करोगे उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड, पेमेंट्स हो रही हैं, पैसा जा रहा है तो आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। सिंपल सा फंडा कैश बुक का चलता है। कैश बुक इज अ वेरी सिंपल बुक, बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पैसा आ रहा है डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करो, क्या करेंगे इसको, डी डेबिट, आर रिसीव्स, क्रेडिट पेमेंट, डीआरसीपी याद करो, डीआरसीपी डेबिट ऑल रिसीव्स क्रेडिट ऑल पेमेंट्स, दैट्स अ सिंपल फंडा विच वी हैव टू फॉलो, डीआरसीपी। ठीक है, अब जैसे सपोज कर लो इसका फुल फॉर्म आप कोई बनाना चाहते हो अपने मर्जी के लिए, आप बना सकते हो क्या, दिल रोया कोरोना पे, कुछ भी बना लो, ऐसे आपको लर्न हो जाएगा बेटा। ये सारे बच्चे समझते हैं कि सर मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं बच्चा, ऐसी एब्रीवेशन से ना चीजें जल्दी लर्न होती, याद रखना कभी भी। अब मैं आपको बोलूंगा दिल रोया कोरोना पे, तो आपको वो यहां पर याद रहेगा डीआरसीपी, डीआरसीपी क्या, डेबिट ऑल रिसीव्स क्रेडिट ऑल पेमेंट्स। तो ऐसी एब्रीवेशन बना लोगे तो इट विल मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग फॉर यू और आपको लर्न भी जल्दी होगी, याद रखो। ओके, हाँ कोई बात नहीं बच्चा, मैं आपको सारा बता रहा हूं, टेबल आपको सारा बता रहा हूं। तो आप याद रखो डेबिट ऑल रिसीव्स एंड क्रेडिट ऑल पेमेंट्स, अभी टेबल खत्म नहीं हुआ बच्चा। और ये टेबल नहीं बच्चा, ये अकाउंट है, इसको अकाउंट बोलते हैं। आप लोगों ने जब अकाउंट्स की बात कर रहे हो तो इसको टेबल वर्ड नहीं यूज करना, ये टेबल नहीं है, ये अकाउंट है, जिसके दो हिस्से हो जाए, एक तरफ डेबिट साइड और एक तरफ क्रेडिट साइड, वो टेबल नहीं होता, वो अकाउंट बन जाता है। ये एक हिसाब से आप क्या बना रहे होते हो, आप बना रहे होते हो कैश अकाउंट, ये अकाउंट होता है, याद रखो। सिंगल कॉलम कैश बुक इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट। अच्छा, अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसमें होता क्या है कि यहां पर हम इनके अमाउंट्स लिखते हैं जो पैसे आए हैं, हम इनका टोटल करते हैं, मेरी बात को समझना, फिर हम यहां पर इनकी पेमेंट्स लिखते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास यहां पर रिसीव्स हुई 1000 और मान लो पेमेंट्स हुई 800। मान लो आपने आइटम्स डाली, मेरी बात को समझना अच्छे तरीके से, रिसीव्ड हुई 1000, पेमेंट्स हुई 800। अब दोनों साइड को मैच कराना जरूरी है, जरूरी है, कहते हैं डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। हम बड़े बेसिक से सीखते हैं अकाउंट्स के इंट्रो के फर्स्ट चैप्टर पे, हम सीखते हैं वो क्या, डबल एंट्री सिस्टम में, कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल इन क्रेडिट, कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। मान लो ये इक्वल नहीं है, मान लो ये इक्वल नहीं है, यहां पर फर्क आ रहा है, फर्क कितने का आ रहा है बच्चा, 200 का, तो यहां पर 200 कम आ रहा है, तो यहां पर 200 डालेंगे ताकि मैं दोनों को इक्वल कर सकूं, याद रखना, यहां पर 200 डालेंगे ताकि मैं 200 को दोनों को इक्वल कर सकूं, इक्वल करना जरूरी है। और जब इक्वल करते हैं तो लास्ट में हम लिखते हैं बाय बैलेंस, क्यों, क्योंकि वो बैलेंस आ रहा है, तो क्रेडिट साइड पर आ रहा है, क्या लिखते हैं बच्चा, बाय बैलेंस C/D, याद रखना मैं टर्म यूज कर रहा हूं C/D, इसका मतलब होता है कैरेट डाउन। क्या बोलते हैं बच्चा इसको फुल फॉर्म, कैरेट डाउन, ये बात याद रखें, इट इज कॉल्ड एज कैरेट डाउन। तो याद रखें जब आप सिंगल कॉलम कैश बुक बनाओगे दोनों साइड को इक्वल करना जरूरी है, और जहां पर बैलेंस कम आए वहां पर आपने डालना है CD, आप लिखोगे C/D, C/D, क्या बोलते हैं उसको अकाउंट्स की भाषा में, कैरेट डाउन, कैरेट डाउन, याद रखिएगा। तो ये जो 200 है बच्चा, याद रखना यही 200 आपका आंसर कहलाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, दोनों साइड को बराबर करना है, और ये बैलेंस कहीं भी आ सकता है, तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि बैलेंस आपका इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो मैं अभी आपको सम्स कराऊंगा जिससे आप टेंशन मत लीजिएगा, पर अभी आप दिमाग में रखिएगा दोनों साइड को मिलाना है, और जहां पर कम आए उसको हम क्या करते हैं, कैरेट डाउन, क्या करते हैं इसको,
कैरेट डाउन, ये बात याद रखिएगा। तो पहली बात, बच्चे इसको अकाउंट नहीं बोलेंगे, सॉरी इसको टेबल नहीं बोलेंगे, टेबल नहीं है बच्चा ये। अब टेबल कुर्सी बेटा घर पे, ये टेबल नहीं है। पहली बात, ये क्या है मेरा बच्चा, ये अकाउंट है, नंबर वन। नंबर टू, इसके दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। कौन से रूल पे चलते हैं? दिल रोया कोरोना पे, DRCP। क्या? डेबिट ऑल रिसीव्स, क्रेडिट ऑल पेमेंट्स। जितना पैसा आया डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करा, जितना पैसा गया उसको हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करा। ये उस प्रिंसिपल पे चलता है, राइट? उसी प्रिंसिपल पे ये चलेगा और उसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड रहेगा। ये बातें आपने याद रखनी है। ओके, नाउ एवरीबडी जस्ट टेल मी वंस कि यहां तक सारी चीजें क्लियर है? किसी का कुछ नोट करने वाला नहीं रह गया तो प्लीज सेंड मी सम गुड स्वीट इमोजीज ताकि मैं आपको आगे लेकर चल सकूं। अभी इसमें एक पॉइंट और है जो मैं आपको सम के साथ बताऊंगा। पहले अब यहां तक देख लो कि यहां तक सारा कुछ क्लियर है। डीआरसीपी हमारा लास्ट पॉइंट है। सारे बच्चे बताओ डीआरसीपी तक क्लियर है? अगर तो डीआरसीपी क्लियर है, आप डीआरसीपी तक क्लियर करके अपना मेंशन कर दीजिए भाई कि यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है। प्लीज सेंड मी इमोजीज सो दैट आई एबल टू नो कि आप लोगों को क्लियर है। जल्दी से बच्चा, जल्दी एवरीवन। चलो गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये सारा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं एक छोटे से सम्स के साथ, ठीक है? एक छोटे से क्वेश्चन के साथ समझते हैं और उसी से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये सिंगल कॉलम कैश बुक एक्चुअली में है क्या। पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। Now look here. जैसे बोलता है prepare a simple cash book from the following. हम लोगों ने बनाना है simple cash book। आपको सम लिखा है बच्चा April 2019. It's mentioned commence business with cash $72500. Then we have 4th April. Sold goods for cash, 4,000. 9th April. Paid into bank, 13,000 rupees. 10th April. पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, बच्चे प्लीज क्वेश्चन नोट कर लेना सारे, 600 रुपए। 12th अप्रैल पेड कैश टू राजकुमार 200, हमने राजकुमार को कैश पे करा 200 रुपए का। 14th अप्रैल परचेस्ड
पोस्टेज स्टैम्प्स 100। पेड रेंट 700। 25th April, 1100। चलिए अब मुझे इस इंफॉर्मेशन से एक सिंपल कैश बुक बनानी है। ये फंडा याद रखिए, कैसे बनाएंगे, प्लीज हैव अ लुक। आई होप सबने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, किसी का क्वेश्चन नोट करना नहीं रहता होगा। चलिए सबसे पहले बच्चा इसका सॉल्यूशन जब आप बनाओगे, विल गो फॉर फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। याद रखना बिना फॉर्मेट के मत करना, वरना आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे इसके अंदर। जो टीचर्स थोड़े से स्टबन होते हैं वो पहले नंबर काटते हैं फॉर्मेट ना बनाने के। दिस इज कैश बुक, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। यहां पर आता है डेट, वी राइट पर्टिकुलर्स। आप अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हो कि यहां पर मैंने रिसीप्ट रिकॉर्ड करनी है, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो। यह आता है लेजर फोलियो, देन वी हैव रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड रुपीस। ओके नाउ ये बनाने के बाद सिर्फ एक चीज चेक करो, बिजनेस के पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है। आप सिर्फ ये चीज देखो कि वेदर मनी इज कमिंग इन द बिजनेस और गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, बस इतनी सी बात देखो, पैसा आ रहा है कि जा रहा है। अब आपको एक बात बताता हूं, देखो आप यहां पर सबसे पहली एंट्री पढ़ो क्या लिखा है, कमेंस बिजनेस विद कैश, मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है। अगर एक ओनर बिजनेस के पास पैसा लेकर आता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो सिंपल सा फंडा है, बिजनेस के पास पैसा आ रहा है 72500। ठीक है, 72500 मनी इज कमिंग इन, तो 72500 याद रखना पैसा आ रहा है बिजनेस के पास। देखो ओनर पैसा बिजनेस में लेकर आ रहा है तो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, ये बात याद रखिएगा। So, पहली बात दिमाग में रखना, वी आर ओनली कंसर्न कि बिजनेस के पास कैश कितना आ रहा है और बिजनेस के पास से कैश कितना जा रहा है। तो आप यहां पे क्या रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड पे रिसीप्ट्स और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स। मैं उसी प्रिंसिपल पे चलूंगा। जैसे अब यहां पर देखिए, अभी 2 मिनट चैट बॉक्स को बंद कर दीजिएगा बच्चा, आप सिर्फ समझिए, सारा समझ लो, फिर मैं लास्ट में आपके क्वेश्चन टेक ओवर करता हूँ। ठीक है, तो आपके लास्ट में क्वेश्चन सुनता हूँ, पहले आप एक बार सारा समझ लो। जब बिजनेस के पास कैश आ रहा होता है तो हम यहां पे लिखते हैं टू कैपिटल। व्हाई कैपिटल, क्यों? बिकॉज जो पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। जो पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब मेरे पास कैश कितना आ रहा है, 72500। तो याद रखना जो पैसा बिजनेस के पास आ रहा है डेबिट साइड पे। ओके, नेक्स्ट क्या है, April 4 आपने गुड्स बेचे। आप सोचो April 4 आपने गुड्स बेचे, अगर आपने गुड्स बेचे तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आएगा, बिकॉज यू हैव सोल्ड द गुड्स, मनी विल कम इन। आपने गुड्स बेचे, आप क्या लिखोगे यहां पर, टू सेल्स, क्योंकि आपने गुड्स बेचे हैं पैसा आएगा। बच्चा बड़ी सिंपल सी बात है, गुड्स बेचे हैं पैसा आएगा, गुड्स बेचे हैं पैसा आएगा, टू सेल्स, मनी विल कम इन। फिर April 9th आपने पैसा बैंक में दिया, अब पैसा बैंक में दिया तो पैसा आपसे जा रहा है, सिंपल सी बात, बहुत सिंपल है। पैसा आ रहा है डेबिट साइड पे, पैसा जा रहा है, अब कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये सब नहीं सोचना। कैश बुक का बड़ा सिंपल सा फंडा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है,
अब ये मत सोचने बैठ जाना कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये सब नहीं करना। सिंपल सा पॉइंट लेके चलना है, क्या? पैसा इज गोइंग इन टू बैंक, आप लिखोगे यहां पर बाय बैंक, पैसा जा रहा है 13,000, कैशबुक का रूल ही है ये, DRCP पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, जैसे लिखा हुआ है आपने एडवर्टाइजिंग के लिए पैसा पे करा, आप लिखोगे बाय एडवर्टाइजिंग। ₹600, ठीक है, पैसा जा रहा है, आपने पे करा कैश राजकुमार को, बाय राजकुमार, पैसा जा रहा है। सिंपल सा फंडा है, पैसा जा रहा है, बाय राजकुमार, आपने पैसा पे करा। आपने पोस्टेज स्टैंप्स परचेज करी, आपने पोस्टेज स्टैंप्स परचेज करी, पैसा जा रहा है, आपने पोस्टेज स्टैंप्स परचेज करी, पैसा जा रहा है। देखो मैं बाय हर एक के साथ लिखूंगा। आपने 18 अप्रैल को रेंट पे करा, पैसा जा रहा है, रेंट पे कर रहे हो, पैसा जा रहा है। ये नहीं सोचना क्यों जा रहा है, कहां जा रहा है, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ पैसा जा रहा है, दैट्स इट। आपने लास्ट में 25 तारीख को इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करे, वो कितने के थे, 1100 के। तो सिंपल सा फंडा क्या चल रहा है, मनी कम्स इन रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड, मनी गोज आउट रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड। अब इसका कर लो टोटल, पहले कर लो टोटल, तो 72500 प्लस 4000 टोटल इज 76500, इसका टोटल करो 13,600, 200, 100, 711, द टोटल इज 15,700। यह आ गया, यह आप चेक कर लीजिए, 15,700 मेरे पास इस तरफ का टोटल आ गया। मैंने क्या कहा था, योर डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल ऑलवेज गाइज, योर डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल, आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, नहीं है, करेंगे इक्वल। अब क्या लिखते हैं यहां पर इक्वल करने के लिए, देखो पहले इसका डिफरेंस लेते हैं, 76500 15,700, तो कितना डिफरेंस है, 60,800। यहां पर लिखते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, जो डिफरेंस आता है दोनों को बराबर करना है। अब सुनिए, जो सम की लास्ट डेट होती है उसके अकॉर्डिंगली यहां पर डेट लिखी जाती है, अप्रैल 25 सम की लास्ट डेट है, तो अप्रैल 25 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन, सम की आखिरी डेट देखते हैं, आखिरी डेट याद रखना। अब इसकी प्रेजेंटेशन समझो, ये सर्कल्स नहीं लगाने, ये सर्कल्स तो चलो मैंने आपको सिर्फ ऐसे समझा दिए, सर्कल्स लगाने नहीं। फिर आपने क्या करना है, इनका करना है टोटल, बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल इसके आमने सामने टोटल, याद रखिएगा गुड प्रेजेंटेशन मींस वैसे एडिशनल मार्क्स। तो ये दोनों साइड का टोटल आपका अब इक्वल आएगा, यह आ गया। बच्चे बोलेंगे सम खत्म, नहीं मेरे बच्चा सम खत्म नहीं होगा, इसके बाद एक स्टेप और होता है जो मैंने कहा था आपको मैं सम के साथ बताऊंगा, जो मैंने ऊपर नहीं बताया, सिर्फ एक स्टेप और होता है। पहले मुझे सारे बच्चे बता दो, वो आखिरी स्टेप में बताता हूं, पहले बच्चे बता दो यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को, इफ एनीबडी हैज अ डाउट प्लीज मेंशन योर डाउट, उसके बाद मैं लास्ट स्टेप बताता हूं आपको। सारे बच्चे देख लो भी यहां तक क्लियर है, इफ इट इज क्लियर प्लीज यू नो यू हैव टू सेंड मी सम इमोजीज विद रिस्पॉन्स दैट यहां तक क्लियर है। नहीं बच्चा कैश बुक में कैश वर्ड नहीं आता, बच्चा याद रखना रिया, कैश बुक में आपका क्वेश्चन आंसर कर रहा हूं, कैश वर्ड नहीं आता। हां जी बच्चा, बैलेंस आपने टोटल के बाद करना है, पहले दोनों तरफ टोटल करना है उसके बाद बैलेंस करना है, याद रखिएगा ठीक है। अगर बैलेंस बच्चा आपने टोटल के बाद लिखना है,
मैच कराकर। तो भाई सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है आई सपोज? ओके, अब जब आपने ये लिख लिया, सुनिएगा प्लीज ध्यान से, ये दोनों तरफ से टोटल लिख लिए, आप देखोगे ये दोनों तरफ के टोटल बिल्कुल आमने सामने बराबर आ गए। फिर लास्ट स्टेप क्या करते, जिस तरफ कैरेट डाउन होता है उसके उल्टे साइड पर आता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टोटल के नीचे 60,800। क्या बोलते हैं इसको? B/D, मतलब क्या बोलते हैं इसको? ब्रॉट डाउन। और ब्रॉट डाउन की डेट क्या होती है? उसके अगली तारीख, जो कैरेट डाउन की डेट होगी उसके नेक्स्ट डेट। ये बात याद रखना बच्चा। तो अब इसका क्या करना है, अच्छी तरह सुनो। पहले इनके टोटल्स कर लिए, करने के बाद फिर आपने कैरेट डाउन निकाल लिया, फिर दोनों के टोटल आमने सामने मैच करा के लिख लिए, फिर आखिरी में जहां पर कैरेट डाउन होगा उसके उल्टे साइड पे ब्रॉट डाउन करना है हमेशा। जहां पर कैरेट डाउन होगा उसके रिवर्स साइड पे ब्रॉट डाउन करना है। ये बात याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पर कैरेट डाउन होगा उसके रिवर्स साइड पे ब्रॉट डाउन करना है। जैसे कैरेट डाउन बाय वाली साइड था, मैंने इसको टू वाली साइड पे लेकर आया, और मैं क्या लिखूंगा? B/D, दैट इज ब्रॉट डाउन। तो अब ये टर्म लर्न कर लो, CD, दैट C/D कैरेट डाउन, B/D ब्रॉट डाउन, और यही आपका फाइनल आंसर माना जाता है। आपको बुक्स में आंसर यही दिया होगा, 60,800। सो बच्चा, अगर तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोगों ने क्या करना है मैं आपको बताता हूं। यू जस्ट हैव टू गिव मी वन गुड हैप्पी फेस स्माइल, बहुत अच्छी खुशी वाले चेहरे। जैसे सपोज कर लीजिए इनके हैं, अगर आप देखोगे एक बहुत ही खुशी वाला चेहरा, बेचारा ज्यादा ही खुश है, लुक हियर। सो यू हैव टू शो मी दीज हैप्पी फेसेस लाइक दिस। इफ एवरीथिंग इज क्लियर, कम ऑन गाइज, इफ एवरीथिंग इज क्लियर शो मी सम हैप्पी फेसेस। If you have a doubt, please do mention the doubt. अब पहला सवाल, सर आज का होमवर्क? नहीं बेटा, आज कोई होमवर्क नहीं। कोई बात नहीं दिव्या, मैं दोबारा समझा देता हूं, आज कोई होमवर्क नहीं, क्योंकि आज टॉपिक जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। पहले इसके थोड़े से सम्स करेंगे, फिर इसका होमवर्क दूंगा, चिंता मत करिए, होमवर्क आएगा। बेटा ब्रॉडन वाला पार्ट दिव्या एक बार दोबारा समझा रहा हूं, अच्छी तरह समझ लो, इट्स वेरी वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना। जहां पर कैरेट डाउन आएगा उसके रिवर्स साइड पे आपने ब्रॉड डाउन पे लेकर आना है। जस्ट रिमेंबर दिव्या, आपने उसके रिवर्स साइड पे ब्रॉड डाउन पे लेकर आना है, कैरेट डाउन को रिवर्स करना है, ठीक है? वो कहीं भी आ सकता है, याद रखिएगा, जिस तरफ कैरेट डाउन होगा उसके रिवर्स साइड पे ब्रॉड डाउन होगा, राइट? Divija, is this clear? Bacha, I'm waiting for the response before I end my class. Okay. So, bacha log, aaj apna koi bhi homework nahi hai. Aapka homework kya hai? Jitna concept kara, isko revise kariye. Revise zarur kar lijiyega, kyunki ye topic fir aage accumulate hota jayega, fir aage problem aayegi otherwise. ठीक है, सो डू रिवाइज दिस टॉपिक, फाइन। इसकी ईबुक, इस चैप्टर की ईबुक आपको बहुत जल्दी आपके असाइनमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ताकि हमें सम्स लिखने ना पड़े, ठीक है गाइस? चलिए, गुड, वील सी टुमारो 4 o'clock, दोबारा मिलते हैं कल 4 बजे, आज इतना ही, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय, सी यू।